अच्छा एक्सपीरियंस था, शायद मैं लफ्ज़ों में इतना अच्छे से ना ही बयान कर पाऊँ, पर मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह ताला ने कुछ नहीं तो चले एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही मुझे इतने करीब से काबा दिखा दिया। लबैक वीआर दुनिया का वाहिद एप्लीकेशन है जो हज और उम्रा की सिमुलेशन पे बेस्ड है। हम लोग ने ऑलरेडी 30,000 लोगों को 30,000 लोगों को ट्रेन इस पे ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। हम लोग के यहाँ जो हज और उमरा की जो ट्रेनिंग होती है, वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग होती है, वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर होती है जो लोग सुनते हैं और आधे सुनते भी नहीं है। इसमें यह है कि आप एक्चुअली वहाँ लोकेशन पे पहुँच के वर्चुअली आप वो ट्रेनिंग करा सकते हैं। इसको हमने 10 साल के अंदर कंप्लीट किया। इसके लिए हमने इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी जो हज और उमरा के अंदर आपको रिक्वायर्ड होती है करने के लिए, और उसकी हमने 80,000 के करीब तस्वीरें ली। इसकी जाके तस्वीरों से मतलब यह है कि ये पूरा जो है रिक्रिएट किया गया 3D में, ये सारी 3D बिल्डिंग्स हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये कि किस तरह जब आप मस्जिद हरम में आप एंटर होंगे, किस दरवाजे से जाना है, ये कौन सा दरवाज़ा है, आप इसको पूरा विजुलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जाके। जितना डिस्टेंस लगेगा आपको यहाँ से वॉक करके खाना काबा तक जाने में, वो पूरा इतना ही टाइम यहाँ लगेगा। जब मस्जिद में आप एंटर होते हैं तो उसके वक्त में जो पढ़नी चाहिए दुआ, वो दुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे ही आप एंटर होंगे जाके। मैं 2016 में मैंने उमरा किया था, और जैसे मैंने 2016 में देखा था बिल्कुल एग्जैक्ट वही डायमेंशंस में लोग ने रिक्रिएट किया इस चीज़ को। इट्स अमेजिंग। हम लोग को रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इन सऊदीया, उन लोगों ने हमें अभी रियाद बुलवाया। इरादा यही है कि ये वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी होगी और ये दुनिया में लॉन्च की जाएगी।